हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार ये वीडियो है क्लास टू या क्लास वन मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट अपने बुक करवाने के लिए, या आप क्लास वन के लिए रिन्यूअल के लिए भी अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो ये सब इस वीडियो में कवर होएगा। तो अब हमें पता ही है कि क्लास टू मेडिकल कितना ज़रूरी है पायलट के लिए, मतलब आपके पायलट के करियर में आपकी पहली चीज़ क्लास टू मेडिकल ही होता है, जो आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते हो कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं। तो अब जुलाई 2020 से पहले तक क्या होता था कि हम DGCA की साइट पे जाते थे और वहाँ से डॉक्टर्स की लिस्ट उठाते थे, जो भी डॉक्टर्स DGCA अप्रूव्ड होते थे उनकी लिस्ट उठाते थे और उनमें से हम सिलेक्ट कर लेते थे जो उनसे भी हमारे पास पड़ता था, और उन्हें कॉल करके या उनको ईमेल करके हम अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा लेते थे, तो बाकी काम वो डॉक्टर ही करते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होएगा। अब के बाद से DGCA ने अपनी ऑफिशियल साइट पे DGCA.gov.in पे एक EGCA का पोर्टल बनाया है, जहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट भी वहीं से फिक्स करवाओगे। मतलब अब आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ेगी, पहले आपकी ऑफलाइन सारा काम हो जाता था ये फिक्स करने का। और ये EGCA का पोर्टल आपका बहुत काम का होगा, क्योंकि इसमें आपकी पूरी लाइफ के सारे आपके फ्लाइंग आवर्स और भी बहुत कुछ आएगा, और सारे मेडिकल के लिए आप सब कुछ इसी में कर सकते हो, क्योंकि पहले काफ़ी इधर उधर घूमना पड़ता था ये सब काम कराने के लिए, लेकिन अब आपका इसी साइट पे हो जाए करेगा। तो इसी वीडियो में मैं पहले आपको EGCA का पोर्टल बनाना भी सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्लास टू मेडिकल के लिए अप्लाई करना है। और EGCA में अप्लाई करने के बाद आपको एक अपनी स्पेशल ID मिल जाती है, मतलब उससे आप हमेशा उसमें लॉगिन करोगे। और एक ज़रूरी बात कि इसमें आपका सिर्फ 10th की मार्कशीट की कॉपी मांगी जाती है, मतलब आपने 10th के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर 11th में या 12th में। इसका फ़ायदा तब है जैसे आपका 12th का भी रिज़ल्ट नहीं आया है और आप तब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपके पहली मेडिकल हो जाए, पहली श्योर हो जाए रिज़ल्ट आने से। मतलब कि आप जब क्लास टू मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपका कंप्यूटर नंबर नहीं मांगा जाता, जो आपके 12th के रिज़ल्ट के बाद ही मिलता है आपको कंप्यूटर नंबर, क्योंकि आपको उसकी मार्कशीट देनी होती है। आप 16 के बाद भी अपने क्लास टू मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये आ गए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप अगर मोबाइल में चाहें तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ये क्रोम या किसी भी ब्राउजर को खोल के मोबाइल में आप उसकी डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। और कोई भी आप ब्राउज़र खोल के वहाँ पे आपको जैसे सर्च करना है DGCA.gov.in, उसको सर्च करने के बाद आप पे ऐसी एक साइट आ जाएगी, तो इनकी ऑफिशियल साइट है, इसको आपको खोलना है। इसको खोलने के बाद आपको इस साइट पे सब कुछ मिल जाता है, वैसे तो ये आपको पता ही होगी साइट। तो यहाँ पे EGCA का लॉगिन ही होगा राइट साइड में, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे यूज़र मैनुअल भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे, अगर आप मेडिकल एग्जामिनर हैं तो भी आप और आपको तो भी इसी साइट पे लॉगिन करना पड़ता है, तो इन सब के लिए आपको प्रोसेस वगैरह इन सब के यूज़र मैनुअल मिल जाते हैं अगर आपको कुछ और भी करना है इस साइट पे। तो यहाँ से आप साइन अप पे जाएंगे, और वहाँ पे साइन अप पे आपको पायलट का नाम ये करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके फर्स्ट पेज पे ये आएगा कि आप पहले से पायलट हो या नहीं, मतलब कि आपने ये सब किया हुआ है कि नहीं, तो आपको नो क्लिक करना है अगर आप क्लास टू मेडिकल के लिए कर रहे हो। प्रोसीड। तो पेज वन के बाद पेज टू खुल जाएगा, जो आपका पर्सनल डिटेल्स का होगा। पेज टू के बाद आपका पेज थ्री खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना ईमेल नंबर, ID और मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की वो बतानी है, फ़ोटो और नंबर उसका, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसकी फ़ाइल अपलोड करनी है, और मैक्सिमम साइज़ इसमें 40 MB तक है, तो आप कितनी भी बड़ी फ़ोटो कर सकते हैं अपलोड, मतलब उनकी तरह नहीं है कि KB में करनी है, उसके लिए हमें स्कैन वगैरह करना पड़ता था, तो यहाँ पे आसान काम है, सीधा आपको खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है। तो और यहाँ पे आपको उसका नंबर डालना है, ये आपको नीचे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो
डाल देनी है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर की फ़ोटो खींच के डाल देनी है। तो अपने टेंथ की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे यहाँ से डालनी है। उसके बाद आपको नीचे अपना परमानेंट एड्रेस का प्रूफ भेजना है, क्योंकि इन सब चीज़ों में से आप कोई सा भी अपना परमानेंट एड्रेस की फ़ोटो डाल सकते हो इन सब यहाँ पे से। उसके बाद आपको एक पासवर्ड भरना है, आपको ये सब पॉइंट पढ़ लेने हैं, मतलब कि 10 करेक्टर इतना बड़ा पासवर्ड होना चाहिए और उसमें ये तारे वगैरह सब पाने हैं, मतलब बड़े छोटे अक्षर सब कुछ, ऐसा बड़ा सा पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको, तो आप पहले ही बना लेना। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और साथ में आपको अपना एक और कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, मतलब कि इमरजेंसी के वक्त ये काम आ सकती हैं। मतलब इन पे आपका ओटीपी सिर्फ आपका इन पे आएगा, फर्स्ट वाली दोनों पे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, इन पे आपको ओटीपी आएगा और ये दो नंबर आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। उसके बाद ओटीपी आएंगे तो यहाँ से आपको ओटीपी करना है और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद तभी एकदम आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी जिस पे आपकी आईडी लिखी होगी, जो सिर्फ मतलब आपको हमेशा लॉगिन करने में काम आएगी, वो आप पे मैसेज में भी आएगी और जो आपने जीमेल आईडी दी है उस पे भी आएगी। तो आप दोनों के स्क्रीनशॉट देख सकते हो, उनमें आपके पासवर्ड भी लिखे हुए आएंगे। तो ये आने के बाद आपको इस आईडी से फिर अब लॉगिन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लॉगिन करना है, मतलब उसके बाद आपको अपनी ईजीसी की आईडी और पासवर्ड भर के ये स्पेशल कोड डाल के, मतलब हर बार अलग ही आता है, तो इसको डाल के आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद ही आपका स्पेशल एक पेज खुल जाएगा, ये सिर्फ आपका पोर्टल, इसमें आपके सारे एक्सपीरियंस, फ्लाइंग एक्सपीरियंस और आपकी अपकमिंग मेडिकल, ये सब आता रहेगा इसमें। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, इसमें सारे फीचर हैं, इसी यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको देखो इशुएंस ऑफ क्लास टू मेडिकल, तो अगर आपको अपने क्लास टू मेडिकल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से, अगर रिन्यूअल ऑफ क्लास टू, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं इसमें। तो इशुएंस ऑफ क्लास टू के बाद आपका ये खुल जाएगा, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा जिस पे आपको अपनी बेसिक डिटेल जो कि आपकी भरी होंगी, आपको कंप्यूटर नंबर का वो मिलेगा, लेकिन आपका अगर नहीं है तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सारी डिटेल्स भर देनी चाहिए जो आपकी मतलब पहले ही भरी होंगी, क्योंकि आपने एक बार भर दी होंगी, तो ये सब भरने के बाद आपको अपने यहाँ पे नीचे या आपकी कोई अगर पहले प्रीवियस मेडिकल एग्जामिनेशन हुई है तो आपको ये सब भरना है। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड साइज फ़ोटो डालनी है अपनी, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो इस पेज पे आपको ये सब चीज़ें भरनी है, मेंटल ट्रबल और ये सब, आपको यस या नो वो आप अपने आप भरेंगे, ये सब आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो ये सब आप जो भी अपना यस या नो भरेंगे उसके हिसाब से आपकी वो डॉक्टर के पास चले जाएगा सब कुछ, और इसका आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो ये भरने के बाद आपको यहाँ पे ये टिक कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यही था आज की इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने खास तौर से इसलिए बनाई थी क्योंकि ये ईजीसीए के पोर्टल में क्लास टू मेडिकल का ऑनलाइन सिस्टम अभी थोड़ा नया से आया था, इसलिए कईयों को एस्पायरिंग पायलट्स को पता नहीं होगा इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी वीडियो से, और मैंने खुद भी क्लास टू मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, तो मैं मेडिकल होने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे हुआ, कितनी फीस वगैरह ये सब मैं आपको, और कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए ये सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।